हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स? आज की वीडियो हेल्थ से रिलेटेड वीडियो है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी सहेली चैनल पर आधी से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हेल्थ रिलेटेड वीडियोस से जुड़े हैं। मीन्स मतलब उन्होंने इसीलिए सब्सक्राइब किया क्योंकि हेल्थ के वीडियोज थे। मैंने आप लोगों के लिए एक अलग चैनल भी क्रिएट किया था ऑल अबाउट हेल्थ, लेकिन पता नहीं क्या है कि उस चैनल तक सिर्फ कुछ ही लोग कनेक्ट हो पाए हैं। उस चैनल पर भी 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन आप सारे लोग वहां तक नहीं पहुंचे हैं। इस चैनल पर मुझे अभी भी रिक्वेस्ट आते हैं कि कुछ हेल्थ की वीडियोस भी बनाइए, हमारे लिए भी बनाइए। आप बस ब्लॉग्स बनाते रहते हो, मतलब इस टाइप से है। तो मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ कि क्या करूं। आप लोगों के लिए नया चैनल भी स्टार्ट हुआ और आप लोग कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं लोगों की स्पेशल डिमांड पर कि कुछ हेल्थ की वीडियोस भी बनाए। तो ये वाली वीडियो ऐसी है जो हमारे ब्लॉग देखने वाले हैं व्यूअर्स, उनके भी काम आने वाली है, और जो हेल्थ की वीडियोस पसंद करते हैं उनको तो डेफिनेटली पसंद आने वाली है। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो मेरी सहेली चैनल पर अपलोड करने का सोचा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे सिंपल से बेसिक से पॉइंट शेयर करने जा रही हूँ जिन्हें आप सुनोगे ना तो आपको कुछ अलग नहीं लगेगा। मैं पहले बता रही हूँ कुछ अलग नहीं है, लेकिन ऐसे होता है ना, जब कोई बता देता है तो हम उस चीज को फॉलो कर लेते हैं कि भाई हाँ ये चीज अच्छी, चलो फॉलो करते हैं। तो बस कुछ ऐसे ही पॉइंट्स हैं, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बस आपको उन्हें सुनकर फॉलो करने की कमी रह गई है। ठीक है, तो मैं ये कहती हूँ आप इनको सुनिए और आज से ही फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और जैसे कि मैंने हेडिंग में लिखा है, यू विल सी द मिरेकल इन योर बॉडी, तो यस, ये चीज आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। पॉइंट्स क्या है चलिए वो मैं बता देती हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट हो जाता है हमारा टेक प्रॉपर स्लीप। आपको 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। अगर कभी कभी आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है, कोई हेक्टिक शेड्यूल है, तो तब चल जाता है कि आपने कम नींद ली, लेकिन आपको उसको रेगुलर हैबिट में नहीं लाना है। क्योंकि अगर आप रेगुलर हैबिट में ले आते हैं तो आप अलग ही दिखाई देते हैं, फिर आपके अंदर वो एनर्जी नहीं बचती, आप थोड़े से ड्राउजी रहने लगते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप पूरी अच्छी से नींद लीजिए तो आप अगले दिन पूरा दिन विद फुल ऑफ एनर्जी आप काम कर पाओगे। ठीक है, ये नहीं सोचना है, बहुत से लोग सोच जाते हैं कि 6 से 7 घंटे की नींद देंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम कम कर देते हैं। लेकिन वो एनर्जी आपकी एक दिन चल जाएगी, दो दिन चल जाएगी, लेकिन आप तीसरे दिन ना उस एनर्जी से काम नहीं कर पाओगे जो आप पूरी नींद लेने के बाद करते हो। तो नींद आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस शरीर से आप काम कर रहे हैं ना, तो उसको रेस्ट देना भी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है, आपको अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को जरूर शामिल करना है। रोज 30 मिनट की एक्सरसाइज आपको जरूर करनी चाहिए। मतलब जो फैटी होते हैं, फैटी कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए तो अच्छा है अगर वो रोज एक्सरसाइज करते हैं तो उनका वेट रिड्यूस होगा। लेकिन ऐसे में पता है क्या, जो लोग मतलब बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है, मोटे नहीं है, वो लोग सोचते हैं हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, तो वो यहाँ पर गलत है। आपको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज सिर्फ आपके वेट को कम नहीं करती, आपकी स्टेमिना को भी बढ़ाती है, आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती है, आपके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, तो और सारी चीजें भी हो जाती है जो आपको फायदे लेने होते हैं एक्सरसाइज से। तो आपको 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। वो आप अपने आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको योगा करना है या फिर आपको एरोबिक्स करनी है, आपको जिम जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 30 मिनट की एक्सरसाइज आपको अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करनी चाहिए। नेक्स्ट हो जाता है ईट अ फ्रूट डेली। आपको रोज एक फ्रूट जरूर लेना चाहिए। अगर सीजनल फ्रूट खाते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, या फिर कोई भी आपका फेवरेट फ्रूट है तो आप उसको लीजिए। क्योंकि जो फ्रूट होता है उसके अंदर होते हैं बहुत अच्छे अमाउंट में विटामिंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए हेल्दी तो है, जो कि आपके शरीर के लिए तो अच्छे होते ही हैं, साथ ही साथ आपकी स्किन को भी ग्लोइंग बनाते हैं। तो फ्रूट्स आपको जरूर खाने चाहिए। एक फ्रूट आपको डेली का अपनी डाइट में ऐड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है हमारा, स्किन और हेयर केयर से रिलेटेड है ये। आपको दिन में अपना फेस 2 बार जरूर वॉश करना चाहिए। बहुत से लोग सोच जाते हैं कि हम तो कहीं बाहर तो जाते हैं नहीं, ना हम इतना मेकअप लगाते हैं, घर में ही रहते हैं, तो वो लोग सिर्फ एक ही बार करना प्रेफर करते हैं। लेकिन नहीं, आपको 2 बार कम से कम जरूर करना चाहिए, और जो लोग बाहर जाते हैं उनको 3 बार अपना फेस वॉश करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है हमारा हेयर केयर से रिलेटेड। तो आपको हफ्ते में 2 बार शैम्पू जरूर करना चाहिए, कंडीशनर भी लगाना चाहिए उसके बाद, जैसे कि आप अपनी आपको हेल्दी रखने के लिए फ्रूट्स, जैसे मैंने आपको बोला अपने आपको हेल्दी बनाए रखने के लिए फ्रूट्स लीजिए, ऐसे ही आपके बालों को भी कंडीशनर की जरूरत होती है। तो शैम्पू करने के बाद हमेशा आपको कंडीशनर जरूर अप्लाई करना चाहिए उनको हेल्दी बनाए रखने के लिए। एंड हेयर केयर में एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, कुछ लोग होते हैं जो अपने बालों पे ड्रायर यूज करते हैं या उनको कर्ल करते हैं, उनको स्ट्रेट करते हैं, तो ऐसी चीजें आपको रेगुलर बेसिस में नहीं करनी है, कभी कभार चल जाता है। क्योंकि ये वाली जो चीजें होती है ना, आपके हेयर का जो क्यूटिकल होता है वो आपके हेयर स्किन प्रोटेक्शन का काम करते हैं, तो ये जो चीजें आप अप्लाई करते हैं ना, कभी आप उनको स्ट्रेट करा रहे हैं, कभी उनको कर्ल कर रहे हैं, तो वो उस क्यूटिकल को डैमेज करता है, वो फिर उससे आपको हेयर प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो जो आप कर्लर यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट कर रहे हैं, आयरन कर रहे हैं बालों को, ये चीजें आपको रेगुलर बेसिस में नहीं करनी है। समटाइम्स चल जाता है, रेगुलर नहीं।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, जो भी आप हेयर केयर के लिए या फेस के लिए आप कुछ भी चीजें यूज करते हैं, जहां तक हो सके नेचुरल चीजें आप यूज कीजिए, आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स मत यूज कीजिए। अब यहाँ पर बात ये आती है कि बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होता कि भाई हमेशा हर चीज नेचुरली ले हम, कि भाई हाँ मतलब उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होता है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं ना, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आप यूज कीजिए जो आपने देखे हो, एक सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, वो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, हेयर टाइप के अकॉर्डिंग आपको एडवाइस कर देते हैं। लेकिन अगर आप उनको भी कंसल्ट नहीं करते, तो आप मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। नेक्स्ट हो जाता है हमारा अवॉइड अनहेल्दी फूड। अब एक्चुअली क्या है, सारा जो अनहेल्दी फूड होता है लगता है तो बहुत टेस्टी है ना, एकदम से छूटता नहीं है। स्पेशली जो फूडी टाइप के लोग होते हैं उनसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाता। तो यहाँ पर एक टेक्निक है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखो जैसे कि न्यू ईयर भी आ रहा है, तो अभी लोग कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं न्यू ईयर पे, तो आप एक रेजोल्यूशन समझ के आप ये वाला पॉइंट फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके अनहेल्दी फूड्स हैं उसमें से जो चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है तो आप उसको स्किप कर दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी पूरे साल के लिए कीजिए, आप 2 महीने के लिए रेजोल्यूशन लीजिए कि 2 महीने तक मैं इस अनहेल्दी फूड को नहीं खाऊंगी। तो आपको पता है जब 2 महीने कंप्लीट होने के बाद आप खाओगे तो आपको इतना हैवी लगता है, जो भी आपका अनहेल्दी फूड होता है ना उसको आप कभी भी खाओ आपको हमेशा हैवीनेस लगती है, आपको कभी लाइट फील नहीं होता। जब जितना भी आपका हेल्दी फूड है ना उसको खाने के बाद आपको हल्का लगेगा, लेकिन अनहेल्दी फूड खाने के बाद हमेशा आपको हैवीनेस लगता है। तो जब आप 2 महीने के बाद उस चीज को खाओगे ना आपको हैवी फील होगा, और सच कहूं आपका मन नहीं करेगा फिर उसको खाने का, आपको लगेगा इसको नहीं खा रही थी तो मैं कितना हल्का फील कर रही थी। तो आपको ना आपका मन खुद ही हट जाएगा उस चीज से। तो आप इस तरह से करके देखें, अनहेल्दी फूड को आप 2 महीने के लिए छोड़ के देखें, ये वाली हैबिट अगर आप ये वाली हैबिट अपनाते हैं ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाले। और ये वाला रेजोल्यूशन मैंने भी लिया है, क्योंकि आपको तो पता ही है, आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे कि मुझे भी अनहेल्दी फूड्स मतलब अच्छे लगते हैं, मैं एक फूडी टाइप की हूँ, तो मैंने भी लिया है। आप भी लीजिए ये वाला रेजोल्यूशन साथ में, कोई एक अनहेल्दी फूड आप जरूर स्किप कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है क्विट स्मोकिंग। अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले तो ये आपके एजिंग के प्रोसेस को फास्ट करता है, जो मतलब ना कम उम्र में ही आप बहुत ज्यादा उम्र के दिखने लग जाते हो, ये आपकी फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करता है। तो उस तरीके से भी देखा जाए तो आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। और हाँ, जो लोग स्मोकिंग करते हैं मैं उनको भी एडवाइस करूंगी, यहाँ पर आप एक बार ऐसी जगह जाइए जहां पर कैंसर वगैरह से पीड़ित लोग होते हैं ना, आप एक बार विजिट करो। आप जब उनकी हालत देखोगे ना, सीरियसली मैं कहूँ, डेफिनेटली आपका मन नहीं करेगा कि दोबारा आप सिगरेट उठाओ। ये चीज बहुत हेल्प करती है स्मोकिंग को क्विट करने में। और वैसे भी आजकल बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आप वो टेक्निक भी अपना सकते हैं, लेकिन हाँ स्मोकिंग से बहुत नुकसान है आपके शरीर को, तो ये चीज है आपको इसको अवॉइड करना चाहिए अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है अवॉइड ओवर द काउंटर ड्रग्स। ये पता है जो पेशेंट होते हैं उनकी बहुत ही एक अजीब सी दिक्कत होती है कि अगर उनको दर्द होता है ना शरीर में कहीं भी, चाहे कोई भी दिक्कत है, वो पहले केमिस्ट पे चले जाते हैं कि हमें ये दिक्कत हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग कुछ दवाई दे दो या कुछ लगाने के लिए दे दो ट्यूब वगैरह, ऐसी उनकी हैबिट होती है। तो आपको ये चीज नहीं करनी है। कोई छोटी मोटी दिक्कत कई बार सही हो भी जाती है, मैं इस चीज को मना नहीं करी, लेकिन पता है अधिकतर केसों में देखा गया है वो दिक्कत धीरे धीरे बढ़ती रहती है, कुछ असर नहीं आता। एक चीज नोटिस की होगी, अगर किसी डॉक्टर से आप कोई केस डिस्कस करते हो किसी के बारे में, तो पहले कहते हैं पेशेंट को लाइए हमारे सामने, तब हम बताएंगे कि क्या दिक्कत है। तो पता है इससे क्या होता है, किसी बीमारी को डायग्नोज करने में ना ऐसा नहीं है आपने बस सिम्टम बता दे तो हो गया, कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, लेकिन हर केस ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर डायग्नोसिस पे पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, पेशेंट को ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसका एग्जामिन करना पड़ता है, उनके लिए स्पेशल टेस्ट भी बताए जाते हैं। जब कहीं जा एक डायग्नोस तैयार किया जाता है कि भाई इसको ये बीमारी है ये दिक्कत है, तो आप कैसे सोच लेते हो कि बस एक केमिस्ट के पास जाओगे और वो एकदम से आपको बिल्कुल सही एक्यूरेट दवाई दे देगा, क्योंकि उसने तो कुछ किया भी नहीं है। तो ये वाली चीजें अपनी आदत में नहीं रखनी है, इस आदत को चेंज कीजिए। हमेशा कोई भी दिक्कत होती है तो आपको डॉक्टर के पास जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली हमारे पास ना रोज ऐसे ही केस देखने को मिलते हैं कि हमें तो ये दर्द 6 महीने से हो रहा है, 1 साल से हो रहा है, और वो पेशेंट आता हमारे पास बहुत लेट है, क्योंकि पहले वो कुछ कुछ चीजें ऐसे ही अपनाते रहते हैं कि केमिस्ट से दवाई ले लिया। मतलब ये चीजें आपको नहीं करनी है, ओवर द काउंटर ड्रग्स नहीं लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है हमारा, आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर आपको कोई बड़ी बीमारी होने वाली होती है तो अर्ली स्टेज पर ही उसका पता लगाया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है वाली चीजें, है ना।
तो आपको रेगुलर चेकअप जरूर कराना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है मुझे, तो स्टे इन कनेक्शन। आपको हमेशा दूसरे लोगों से कनेक्ट होकर रहना चाहिए। इसी पता है रिसर्च में भी साबित हो चुकी है, जो लोग अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं ना, जैसे आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जैसे आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं ना, वैसे ही नुकसान आप अकेले रहकर भी अपने शरीर को पहुंचाते हैं। ठीक है, बस हाँ ये है कि उनसे आपको ऐसा होता है, आपके ऑर्गन्स को डैमेज होता है, लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं मेंटली हार्म पहुंचा रहे होते हो। आपको आसपास के लोगों से एक कनेक्शन बना के रखना चाहिए। जब आप अपने जो विचार होते हैं दूसरों के साथ एक्सचेंज करते हैं, दूसरों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है, तो आपका एक सोशल डेवलपमेंट होता है। तो ये चीज आपको जरूर करनी चाहिए। अकेले मत रहिए, इंट्रोवर्ट टाइप के मत रहिए, दूसरों के साथ कनेक्ट रहिए। बहुत अच्छी हैबिट है, आप इसको अपने रूटीन में लाइए, आप दूसरों से कनेक्ट होइए। ठीक है फ्रेंड्स, यही थे कुछ इजी सिंपल बेसिक से टिप्स, जो मुझे पता है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, कुछ मैं अलग नहीं बताने जा रही हूँ, लेकिन ये टिप्स ऐसे हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज देखोगे। हेल्थ के अकॉर्डिंग से भी देखोगे और जो आपका सोशल एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं तो ये कहूंगी इन टिप्स को आप आज से ही फॉलो कर देना शुरू कर दीजिए, बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपके लिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।